हेलो, तो मैं हूँ भाविका और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि आज है 11th ऑफ फेब और दीदी के शादी को बस 6 दिन बाकी है। मतलब एक हफ्ता भी नहीं, मतलब मुझे तो लगता है 4-5 दिन ही है। एंड मुझे ऐसा वो रियलिटी हिट होता है ना कि ओ नो, आफ्टर 17th मुझे बेड से मैं उठूंगी तो मेरे बाजू में दीदी नहीं रहेगी। एंड मेरे घर में मतलब मॉम डैड से भी ज़्यादा मैं क्लोज मेरे दीदी से हूँ, तो मुझे ऐसा ऐसे हो रहा है अभी। लेकिन कोई नहीं, मैंने इसी बहाने सोचा कि ऐसे हम लोग ऐसे सिबलिंग्स हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये हफ्ता थोड़ा उसको ऐसा पैम्पर करूँ और वो अगर बोले कि पानी का बॉटल ला तो फिर मैं ला के दूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन देखते वो मैं करूँगी कि नहीं। लेकिन एनीवेज आज मैं अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि द ग्रेट किकी ने मेहंदी का ड्रेस ही नहीं लिया है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, पहले वो करेंगे। एंड आज कुछ क्रिएटिव भी करने वाली हूँ मैं, तो वो आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। तो चलो, मेहंदी आउटफिट इज डन फाइनली। इतने कम दिन बचे हैं और मेहंदी आउटफिट अभी हुआ है। और अब जितनी भी आंटियां देख रही होंगी मुझे उधर से गालियां देती होंगी कि ये कैसी लड़की है, इसका शादी अभी 5 दिन में और ये अभी तक शॉपिंग कर रही है। सॉरी आंटीज, आंटी हाँ देखते हैं, सब बच्चे नहीं देखते, उनके मम्मी भी देखते हैं ये लोग। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, अभी हम लोग को थोड़ा ज्वेलरी भी देखना है, शेवपुरी खाने है। और मैं बता रही हूँ ना आगे, लेकिन मेन काम तो मुझे शेवपुरी खाना है। पता नहीं क्या है, क्या पता कुछ तो। रामफल, अच्छा रामफल वो देखो कसो दाखवलं। और काय बोलना कधी मी, हाँ मेरा पेट ना एक्चुअली खराब है, लेकिन मुझे लगता है शेवपुरी खाने से ठीक हो जाएगा ना। टॉक्सिक ट्रेट। कैसे लगा पानी पूरी और शेवपुरी खा के? मुझे तो अच्छा लगा, मेरा पेट सही है। तुझे कैसा लगा? मुझे तो एकदम मस्त लगा है। मेरे डॉक्टर अगर देखते रहेंगे तो बोलेंगे इसीलिए पेट खराब है। लेकिन अभी हम लोग आए हैं ऑरेंज जूस पीने, क्योंकि जो थोड़ा मेरा करंट एडिक्शन है, मेरा करंट एडिक्शन है। दो 2 महीने तो भी हो गए ना। हाँ, 2-3 महीने में ऑरेंज जूस के बिना रहा नहीं आता मेरा। आई थिंक फेवरेट ऑरेंज और मैंगो जूस है। अभी मैंगो का तो सीजन नहीं है तो ऑरेंज से काम चला दे रही हूँ। हाँ, और इसको मैं ऑरेंज जूस पीता देख के मेरे को भी मन कर लेता है, तो फिर जब ये पीती है तब मैं भी पीती हूँ। ये मैं गिराने वाली तेरे को जूस करने। ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं अभी कैसे पीऊँ समझ नहीं रहा, लेकिन रुको। हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं अंतर पार्ट जो शादी में यूज़ करते हैं, ब्राइड और ग्रूम के बीच में जो रहता है, तो मैंने सोचा मैं बनाऊँ। लेकिन ये बहुत बड़ा फैब्रिक लाया है तो इसको अभी पहले कट करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा है मतलब। तो अभी हम लोग इसे कट करते हैं और फिर इस पर करेंगे ड्राइंग। सो इसको हमने अभी कट कर लिया है इतना, और अभी ना इसको एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि इस्त्री कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें इतने सारे रिंकल्स हैं कि मैं क्या बताऊँ। और इसको ऐसे स्ट्रेच करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो आई गेस इस्त्री कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले भी एक काम है, तो पहले वो करेंगे और फिर वापस इसको स्टार्ट करेंगे। मैं और दीदी अभी वापस स्टेशन जाके आए फिटिंग्स के लिए, लेकिन फाइनली अभी मैं घर पे आ गई। और मैंने सोचा था कि आज तो मैं दोपहर तक ऑलमोस्ट आधा काम कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं, मैंने तो एक्चुअली देखने जाए तो अभी शुरुआत की है। मैंने जस्ट अभी इस कपड़े को स्ट्रेच कर लिया है, एंड मैंने जुगाड़ के लिए ये सेलो टेप्स लगाए है और उसको स्ट्रेच किया है, और इसका सेंटर भी ले लिया है। और इसमें मुझे मदद की काजल दीदी ने, ओ माय गॉड। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं करने वाली हूँ स्टार्ट, कुछ भी करके इसे आज ही कंप्लीट करना है क्योंकि 2 दिन बचे हैं शादी के लिए। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, मैं आज कैमरा से शूट कर रही हूँ, एंड अभी मैं मतलब मुझे ऐसे सेंटर अलाइन चाहिए, इसलिए मैं डिवीजन ले रही हूँ कि कैसे करना है। Thank you.
सो मैंने ये कटआउट बना लिया क्योंकि मुझे सिमेट्रिकल चाहिए था चारों साइड से, तो इसलिए मैंने ऐसे एक कटआउट कर लिया जो ये साइड का शेप है, और वही फिर मैंने ऐसे ऐसे और ऐसे घुमा के एक सिमेट्रिकल शेप बनाया है। सो अभी मेन तो हो गया, अब बस मतलब है अभी भी और सारा काम, बहुत सारा काम है। क्विक अपडेट, इसे कंप्लीट करते करते मुझे तो नींद आ गई क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, लेकिन फिर मैंने वापस से रीस्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर दिया। मतलब सिर्फ स्केच कंप्लीट हुआ है, पेंटिंग तो मैं कल ही करूँगी अभी, ऐसे मुझे लग रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ड्राइंग करने में नहीं था, वो सिमेट्रिकल है उसको बनाने में था, और वो सेंटर में ही आना चाहिए, उधर ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अदरवाइज फाइनल ड्राइंग हो गया है। रुको मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और अभी इस शुभ विवाह के नीचे मैं सोच रही हूँ कि डेट लिखूँ या फिर हैशटैग लिखूँ, वो अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, तो कल हम देखेंगे, कल ही इसे कलर भी करेंगे, तब आपको और आइडिया आएगा। गुड मॉर्निंग, एंड आज हम करने वाले हैं पेंट, लेकिन पेंट करने से पहले मुझे ये मेरी पैलेट मैंने जो निकाली, मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने लास्ट टाइम पेंटिंग किया था तो मैंने अभी तक इसको वॉश किया ही नहीं है, और ये अभी वॉश करने में इतना बोर होता है ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी मैं इसको फटाक से वॉश करूँगी एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेंटिंग, क्योंकि अभी तो देखने जाए तो सिर्फ 2 दिन बाकी है। क्या बोल रही थी तू अभी? मैं बोल रही थी कि मेरा पेट दुख नहीं रहा है, बट अभी लास्ट के 2-3 दिन बाकी, तो दबा के दे दे। फिलहाल आज तो पीठ मेरी दुख रही है, लेकिन मैंने ये ब्लॉग के स्टार्ट में बोला था कि इसका मैं थोड़ा सुनूंगी अगर ये कुछ बोलेगी। मसाजर तो है उससे भी और हाथ से, दोनों से भी कर दे। ओह नो, मजा आएगा, जाने दो। तो भाविका दिखा दो तुमने मेरे लिए क्या अंतरपार्ट बनाया है। अभी एक्चुअली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी वापस से एक अपडेट दे रही हूँ, लेकिन अभी का अपडेट एक्चुअली एक साइड कंप्लीट ही है, और मतलब ऐसे देखा है तो वाओ सो सुंदर। एक्चुअली बीच में थोड़ा पॉज ले लिया क्योंकि ये लेस लगाना था बट ये लेस कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, इसके वजह से और ज्यादा लुक आ गया। हाँ, अभी कल मुझे बैठ के करना है ये साइड। ओह यस। द नेक्स्ट डे, ओ माय गॉड, ये है अगला दिन, और मैं अभी थी शूट पे, जिसका मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन मेरे साथ साधना है, तो साधना ने मेरे लिए थोड़े BTS ले लिए थे इधर है। और अभी फाइनली हम लोग निकले हैं, बस हो गया आज के लिए, ये कैसा वैलेंटाइंस डे है। चलो अभी हम लोग जाएंगे घर, और मुझे वापस काम करना है। कैसे लगा तुझे मेरे साथ आज? हेलो। तो आज तो मैंने सच्ची में कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। जैसे कि आपने देखा, मैं गई थी शूट पे, जहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ जो थोड़े BTS थे वो मेरी फ्रेंड साधना ने ले लिए, एंड उसके बाद मैं घर पे आई और मुझे इतनी मेरी तबीयत बिगड़ गई थी कि मुझे उठने को भी नहीं हो रहा था और कुछ करने को नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बाद में हम लोग, मैं और दीदी बाहर गए, हमें थोड़ा बहुत काम था वो किया, और घर पे और मेरे, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या,
फिर मुझे ये पेंट भी करना था क्योंकि फ्रंट साइड हो गया लेकिन बैक साइड अभी बाकी है, तो वो भी मैंने होल्ड पे रख दिया क्योंकि एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं शूट से जल्दी घर आऊँगी और फिर मैं पूरा दोपहर को बैठ के शाम तक कंप्लीट, लेकिन मैं घर पे ही शाम को आई 4 बजे, उसके बाद मेरी हालत फूस, फिर उसमें और शाम हो गई, फिर मैं गई बाहर, फिर उसमें रात हो गई और अभी मैं अभी कितने बजे कितने बजले 10:30 भी हो गए और अभी मैं बैठी हूँ पेंट करने, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने आधा एक कलर का काम कर दिया, लेकिन कुछ भी करके इसे आज कंप्लीट करना है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आज के दिन कुछ स्पेशल है, जैसे रोज रुक जा जैसे रोज कुछ स्पेशल होता है, मतलब नहीं होता लेकिन मेरे ब्लॉग में ऐसा मतलब नाइस जाने दो। तो आज का स्पेशल ये है कि हमारे लिए, मम्मी पापा और मेरे लिए, इस लड़की ने खाना बनाया है। गाइस अगर मेरा पेट इसके बाद खराब हो जाए मैं तो आप समझ लेना, अगर इसके बाद कल मैं ऐसे रही तो फिर आप समझ लेना खाना किसने बनाया था। लेकिन बीच में तो दीदी जब बना रही थी क्या पता कुछ तो बनाई, लेकिन इतना मस्त स्मेल आ रहा था, मुझे ऐसे हो गया कि क्या बना रही है, एकदम सा पानी वाने लग गया मेरे मुंह से। तो अभी देखते उसने इतना सच्ची में कुछ टेस्टी बनाया है या नहीं। मुझे तो लगता है शायद से है टेस्टी क्योंकि बहुत मस्त ऐसा खुशबू फैल गई थी घर में, मज़ा आ गया। मैं अभी भी पानी आ गया मेरे मुँह में तो चलो अभी खाना खाते हैं। मम्मी ने खाना स्टार्ट कर दिया और ये है वो खाना जो दीदी ने बनाया है आज हमारे लिए, और ये गुलाब भी दिया है उसने मुझे, ये आज सब वैलेंटाइन डे स्पेशल है। मम्मी लगता है खत्म कर देगी अभी खाना, मला खूब आवडलं, खूब छान गेलं, दाल तड़का एकदम मस्त बाहेरसारखी माझ्यापेक्षा सुंदर गेलं, सीरियसली ओ माय गॉड अब ये 7वें आसमान पे। अब तू मेरे घर पे मत आना खाना खाने के लिए रोज रोज नहीं नहीं तेरे घर पे आना मुझे दूर पड़ जाएगा तो तड़का मम्मी ने दिया। अभी मम्मी आएगी तेरे घर पे खाना खाने। चलो गाइस अब मेरी खाने की बारी, मैं अभी हाथ से नहीं स्पून से खा रही हूँ क्योंकि फोन है ना। बकवास है तू। हां तोड़ा लगा ले भी लव कर ले। अच्छा बना है रे सच्ची में। बना लेती है कभी कभी अच्छा खाना। सब मेरी तारीफ कर रहे कि मैंने बहुत एक को ही तो रहते हैं, एक मतलब पापा ही रहते हैं जो इतने बकवास लेम जोक मारते हैं। मेरी मम्मी यहाँ पे अभी बोली कि मला हे रोज दिले तरी मी खाईल, तो मेरे को ये रोज मिला। और मेरे पापा हाँ पापा बोलते हैं हाँ ये रोज दिया सामने और बोलते हैं हाँ फिर खाना। हम लोग सोच रहे क्या बोल रहे, तो बोल रहे हैं कि रोज दिया तो खाएगी ना लेम जोक, और ये वही से सब सीख के मारती है। लेजेंड हंसना जरूरी है और हंसना भी जरूरी है। अभी ज्यादा हो गया चलो खाना खा के हो गया है बहुत टाइम और मैं ठीक हूँ, मेरा पेट ठीक है, मतलब इसने अच्छा काम किया कुछ तो आज। एंड मैं तो नहीं आऊंगी, तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि कल है कीकी की मेहंदी। ये तो अब नेक्स्ट आने वाले है शादी सीरीज व्लॉग, सो स्टे ट्यून। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।